वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 11 जून 2021 और 11 जून 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो और ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो बिटकॉइन ये एक क्रिप्टो करेंसी है और इसको अब लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है अल सल्वाडोर। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब अल सल्वाडोर तो ये कहां है मैप में? तो आप मैप में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में ध्यान से देखो, ये है अल सल्वाडोर। इसकी कैपिटल क्या है? सन सल्वाडोर। इसकी करेंसी है यूएस डॉलर और अब इसकी सेकेंड करेंसी बन गई है बिटकॉइन। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? नायब बुकेले। कौन है? नायब बुकेले। एक्चुअल में जो अल सल्वाडोर है इसकी जो इकोनॉमी है वो प्रेषण पर डिपेंड है, यानी कि रेमिटेंस पर डिपेंड है, यानी कि यहाँ के लोग बाहर जाके जॉब करते हैं और वहां से पैसा भेजते हैं। तो अब अल सल्वाडोर के जो लोग बाहर जाके जॉब कर रहे हैं वो बिटकॉइन में अपना पैसा अल सल्वाडोर में भेज सकते हैं। तो इतना आपको अल सल्वाडोर के बारे में याद रखना है। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो अभी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी की गई, इसमें एमआईटी टॉप पर रहा, यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इस बार की क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप पे रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये जो रैंकिंग जारी की गई है इसमें टॉप 400 में इंडिया के सिर्फ 8 इंस्टीट्यूट शामिल किए गए हैं और टॉप 200 में इंडिया के सिर्फ 3 इंस्टीट्यूट शामिल किए गए हैं। अब वो 3 इंस्टीट्यूट कौन से हैं? तो आईआईटी बॉम्बे इसमें 172 नंबर पे है, आईआईटी दिल्ली इसमें 185 नंबर पे है और आईआईएससी बेंगलोर इसमें 186 नंबर पे है। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सुनील छेत्री। दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी बने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब सुनील छेत्री ये इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं और इनको कैप्टन फैंटास्टिक के नाम से भी जाना जाता है। क्या? कैप्टन फैंटास्टिक के नाम से भी इनको जाना जाता है और अब ये दूसरे सबसे अधिक सक्रिय गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AIU द्वारा 2021 का विश्व का सबसे निवास योग्य शहर कौन बना है? तो AIU यानी कि द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 2021 का विश्व का सबसे निवास योग्य शहर बना है ऑकलैंड। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है, ये न्यूजीलैंड का शहर है ऑकलैंड और ये 2021 में रहने के लिए सबसे बेस्ट शहर बना है। अच्छा, ऑकलैंड फर्स्ट पे है, सेकंड पे कौन है? सेकंड पे है ओसाका और थर्ड पे है एडलेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने चंद्रशेखर घोष यानी कि सीएस घोष को किस बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? तो अभी बंधन बैंक का एमडी एंड सीईओ फिर से चंद्रशेखर घोष को आरबीआई ने नियुक्त कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये है चंद्रशेखर घोष और अब ये फिर से 3 साल के लिए बंधन बैंक के एमडी एंड सीईओ नियुक्त हो गए हैं। अब बंधन बैंक, तो बंधन बैंक की स्थापना कब हुई? 2001 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? कोलकाता में। और अब इसके फिर से एमडी एंड सीईओ बन गए हैं चंद्रशेखर घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लक्ष्मी नंदन बोरा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो लक्ष्मी नंदन बोरा ये एक साहित्यकार थे
और ये असमिया भाषा के साहित्यकार थे, अभी इनका निधन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये थे लक्ष्मी नंदन पुरा। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था 1988 में, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था और इनको सरस्वती सम्मान भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देहिंग पटकई किस राज्य का सातवां राष्ट्रीय उद्यान बना है? देहिंग पटकई, ये पहले एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी और मैं आपको लगातार बताता आ रहा हूं कि इसको नेशनल पार्क में अपग्रेड करने की घोषणा हुई थी और अब इसको ऑफिशियली नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया है असम ने। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। तो देहिंग पटकई अब असम का सातवां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है और इसी के साथ इंडिया में राष्ट्रीय उद्यान के मामले में असम तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। पहले पे है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में 10 नेशनल पार्क हैं। दूसरे पे है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में 9 नेशनल पार्क हैं। और तीसरे पे अब असम पहुंच गया है क्योंकि असम में अब 7 नेशनल पार्क हैं। अब असम की बात है तो मैप में देख लीजिए, ये है असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिश्वा शर्मा और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, असम में पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की गई, अरुणोदय नाम की योजना असम में शुरू हुई, धनवंतरी योजना भी असम में शुरू हुई और भारत का एकमात्र गोल्डन बाग असम में देखा गया। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है, ओरंग नेशनल पार्क है, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है और अभी असम का छठा नेशनल पार्क कौन बना था? रायमोना, और अब सातवां बन गया है देहिंग पटकई। तो इस तरह से ये 7 नेशनल पार्क असम में है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र मुकुता क्रूज शुरू हुआ था असम में, ब्रह्मपुत्र मुकुरा कूल ये असम में शुरू हुआ और पूर्वोत्तर का पहला काव हॉस्पिटल असम में बना है। असम के फेमस डांस कौन से हैं? असम के बिहू, बगरुम्बा, भोराल और झुमुर, ये असम के इंपॉर्टेंट डांस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश से 3 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर प्राप्त करेगा? तो अभी अपना देश भारत अमेरिका से 3 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर प्राप्त करेगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब अमेरिका से ये हेलीकॉप्टर प्राप्त करेगा तो किस कंपनी से प्राप्त करेगा? एक्चुअल में जब ये डिफेंस डील होती है तो आपको कंपनी का नाम आपको याद रखना होता है, जैसे राफेल आए थे तो डसो कंपनी से आए थे, ऐसे ये 3 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर इंडिया प्राप्त करेगा अमेरिका से और इसकी कंपनी का नाम है लॉकहीड मार्टिन। क्या है? लॉकहीड मार्टिन। और अभी अपने देश भारत ने 2 हेलीकॉप्टर और प्राप्त किए थे अमेरिका से, एक है चिनुकू और दूसरा है अपाचे। तो ये किस कंपनी से प्राप्त किए थे? ये बोइंग से प्राप्त किए थे। अब अमेरिका की बात है तो अमेरिका के अभी नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? जो बाइडेन। जो बाइडेन की 2 बुक इंपोर्टेंट है, एक है प्रॉमिस मी डेड और दूसरी है प्रॉमिस टू कीप। और अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कौन बनी? कमला हैरिस। कमला हैरिस की 3 बुक इंपोर्टेंट है, एक है सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, दूसरी है द ट्रुथ्स बी होल्ड और तीसरी है स्मार्ट ऑन क्राइम। और अभी अमेरिका ने ऑफिसरी WHO से अलग होने की घोषणा की, ओपन स्काई ट्रीटी को भी छोड़ दिया है अमेरिका ने और अमेरिका की सेना की पहली महिला सचिव बनी है क्रिस्टीन बर्मुथ। कौन बनी है? क्रिस्टीन बर्मुथ। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, जिसमें से वज्र प्रहार इसी साल हिमाचल प्रदेश में हुई थी और युद्ध अभ्यास इसी साल राजस्थान के बीकानेर में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडो थाई कॉर्पोरेट अभ्यास का 31वां संस्करण कहां शुरू हुआ है? तो इंडो थाई कॉर्पोरेट अभ्यास का 31वां संस्करण अंडमान सागर में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसमें इंडिया की नौसेना और द रॉयल थाई नौसेना पार्टिसिपेट कर रही हैं और यह 31वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सिनेमा घरों, मल्टीप्लेक्स और व्यायाम शाला यानी कि जिम्स के लिए संपत्ति कर माफ किया है? तो यह माफ किया है गुजरात ने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में अभी कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है और लॉकडाउन में सिनेमा घर भी बंद हैं, मल्टीप्लेक्स भी बंद हैं और जिम्स भी बंद हैं। तो इनके लिए 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक संपत्ति कर को माफ कर दिया है गुजरात ने। अब गुजरात ने माफ किया तो यह है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत।
अच्छा, गुजरात में अभी किसान सूर्योदय योजना शुरू हुई, गिरनार रोप वे का उद्घाटन गुजरात में हुआ, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात में शुरू हुआ, और दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट गुजरात में बन रहा है। अच्छा, गुजरात में सुरेंद्र नगर में रेशम प्रसंस्करण केंद्र खोला है। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है और गुजरात में सरदार सरोवर डैम है। ये पूछा जाता है सरदार सरोवर डैम ये कहां पे है? गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भारत के एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए 50 करोड़ डॉलर के सहायता कार्यक्रम की मंजूरी दी? तो यह मंजूरी दी है वर्ल्ड बैंक ने। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? 1944 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी में। और वॉशिंगटन डीसी अमेरिका का 51वां राज्य बनने जा रहा है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएस महिला ओपन गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता है? तो जापान की युका सासो ने यूएस महिला ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं युका सासो और इन्होंने नासा हाथोका को हराकर यूएस महिला ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने लॉ स्टूडेंट्स के लिए टैग स्कॉलर्स प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो अभी फेसबुक ने लॉ स्टूडेंट्स के लिए टैग स्कॉलर्स प्रोग्राम लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अमरचंद्र मंगल दास कंपनी के साथ मिलकर फेसबुक ने लॉ स्टूडेंट्स के लिए ये टैग स्कॉलर्स प्रोग्राम लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित ग्रीन प्रेन्योर अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो ये ग्रीन प्रेन्योर अवार्ड 2021 जीता है चितकारा यूनिवर्सिटी पंजाब की सहायक डीन डॉक्टर चारू खोसला ने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इन्होंने ऊर्जा प्रबंधन में अनुकरणीय कार्य किया, इसी वजह से इनको प्रतिष्ठित ग्रीन प्रेन्योर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरपोल ने फैमिली डीएनए के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान करने के लिए किस नाम से नया वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है? तो इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल पुलिस, इसने फैमिली डीएनए के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान करने के लिए आई फैमिलिया नाम का एक नया वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इसमें क्या है, हर व्यक्ति का डीएनए कलेक्ट कर लिया जाएगा और फिर अगर कोई भी व्यक्ति घायल पाया जाता है या लावारिस पाया जाता है तो उसका डीएनए मैच करके उसकी पहचान का पता कर लिया जाएगा। तो ये इंटरपोल ने लॉन्च किया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में रायमोना किस राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान बना? तो असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है रायमोना। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कोलंबो बंदरगाह के पास डूबा एक्सप्रेस पर्ल जहाज किस देश का है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी, INDRESHRC, इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना, आज के वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑल बेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।